अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप वंशिक मां है ना, आपका खून उनसे मैच करता होगा। आप चलिए हमारे साथ। अरे चुप क्यों खड़ी है, चलिए। मेरा खून उसके साथ मैच नहीं करेगा कि मेरा ब्लड ग्रुप वो नहीं है। ए डॉक्टर, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी कर और उसकी जान बचा, समझा? मैडम इतना कुछ हो गया लेकिन अब भी आपको अपने बदले की पड़ी है। हमारी मदद कीजिए उनका ब्लड मैच ढूंढने में। आपके परिवार में कोई होगा, बहन भाई काका मामा चाचा, हमारी मदद कीजिए। वाओ, आज तो इतनी सारी शॉपिंग्स करके मजा ही आ गया। फटे हुए कपड़ों वाली भिखारी दीदी आई है। हेलो, आप हमें ढूंढते हुए यहाँ आ गई, आओ आओ। गवार्स शर्ट अप्स। बेबे क्या हो रहा है यहाँ पे? डॉक्टर साहब की जान बहुत खतरे में। आप हमें ना खून की सख्त जरूरत है। ये आपकी माँ है ना, तो मतलब आप उनकी बहन भी। आपका ब्लड ग्रुप क्या? Are you mad? My God, मैं उनकी बहन नहीं, साली हूँ साली। वो मेरे जीजू है। और ये खून की सासू माँ और कौन? किन्नी मासी, पापा को कुछ हो गया है। अगर आप डॉक्टर साहब की सास हैं और ये उनकी साली, तो उनके अस्थि माता पिता का। एक्चुअली ना चीजू के मॉम डैड्स ना बचपन में डेथ हो गई थी उनकी, तो बेबे ने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया है ना बेबे? सास मानी होती। चुप हो जा, रो रही है। हमेशा अपनी जबान कैच की तरह चलाना। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि इस वक्त हम खून कहाँ से लेकर हैं? इस समय पर हम ओ नेगेटिव खून का इंतजाम कहाँ से करें? ओ नेगेटिव दीदी, ये तो हमारा ब्लड ग्रुप है। काका साहब, आप डॉक्टर साहब को खून देंगे? नहीं विश्वासी, उनकी मदद नहीं करनी है। अरे आप चुप रहिए निशान, डॉक्टर साहब चलिए। धन्यवाद काका साहब। देखा आपने, देखा जिस इंसान से आपने इतने जुल्म किए, इतना कुछ कहा, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे आपके दामाद की मदद के लिए फौरन चले गए वो। अब आपको यकीन हो गया कि आपके दामाद के खाने में हम में से किसी ने जहर नहीं मिलाया? दामाद नहीं, उत्तर है वो मेरा। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। कितने दुख की बात है कि आज अपने ही दुश्मन का खून अपने पुत्र की रगों में बहता हुआ देखूंगी मैं।
मेजर नौटंकी है। हट यहाँ से। मत रोकिए बारे को। रानी के पैरों में पानी क्यों डाल रही है? वो तो हम दोनों को हमेशा परेशान करती रहती है। हमसे बड़ी है ना, और छोटों का फर्ज होता है अपने बड़ों का आदर करना। जूनिया, तारी जनानी है ना, वो बुरी ना है। उनके साथ बस ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से उनके दिल में बहुत दर्द भरा हुआ है। और मारी माई कहती है कि जिसके दिल में बहुत दर्द भरा हो ना, उसके पैर धोने चाहिए। जूनियर, आपके पापा को ना आपकी जरूरत है। आप कमरे में जाओ। माफ कीजिएगा, हमारे से थोड़ी देर हो गई आपको समझने में। ये दुख एक बहू को खोने का ना है, ये तो अपनी बेटी को खोने का गम है। वो बेटी जिसे आपने 9 महीने अपनी कोख में रखा, खून से सींचा, पाल पोस के बड़ा किया। सरला जी, हम जानते हैं कि कुछ भी कर ली, लेकिन ये जो दर्द आपके अंदर है ना, ये दूर नहीं होगा। क्योंकि एक माई के लिए सबसे बड़ा दुख होता है अपने बच्चे को खोना। लेकिन हम एक और चीज अच्छे से जानते हैं, आपकी बेटी जो आपको स्वर्ग से देख रही होगी ना, इस दर्द, इस पीड़ा में वो बिल्कुल खुश ना होगी। बस बस, मेरी बेटी क्या सोचेगी और क्या नहीं, तुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और खबरदार, खबरदार, जो आज के बाद मेरी बेटी का नाम अपनी जबान पर लेकर आए तो तेरी शादी भले ही वंचते हो गई हो, लेकिन तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। और हां, मेरी बेटी की जगह लेने की सोचना भी मत। ये रिश्ता बस हमदर्दी का है, इसे अधिकार मत समझ लेना, नहीं तो दिल भी टूटेगा और गुरूर भी। माँ, मुझे शक्ति दे। इनका ब्लड चेंज किया जा चुका है और इनका बीपी भी बिल्कुल ठीक है। अब खतरे की कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी इन्हें होश आ जाएगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं चलता हूँ। आराम से। ये पापा ठीक हो गए।
पापा आपको पता है इन एंजल अंकल ने आपको बचाया है। इन्होंने अपना ब्लड भी दिया आपको। थैंक यू सो मच, आपने मेरी जिंदगी बचाई है। हमें आपका थैंक यू नहीं चाहिए वंश, बल्कि हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं निशांत को माफ कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं वंश, हम निशांत की बात नहीं कर रहे। देखिए निशांत कानूनी तौर पर हमारा बेटा जरूर है, लेकिन हमने मन कर्तव्य और भावनाओं से हमेशा विधि को ही अपनी बेटी माना है। हमारा खून का रिश्ता ना सही, लेकिन जज्बातों का तो है। विधि, वंश, हम जो आपसे मांगने जा रहे हैं वो मुश्किल तो जरूर होगा, लेकिन हमें इनकार मत कीजिए। हम चाहते हैं कि आप दोनों ही अपनी शादी को ईमानदारी से निभाने का एक मौका जरूर दें। देखिए आप लोगों को लगता होगा कि हम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारा तजुर्बा कह रहा है। आप दोनों ने ही अपने जीवन साथी को खोया है, दोनों का ही दिल टूट चुका है। इसलिए आप दोनों एक दूसरे का दर्द भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि जब किसी का दिल टूटता है ना, तो उस टूटे हुए दिल को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। देखिए हम चाहते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे का सहारा बने। जिंदगी पहले जैसी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ नई जरूर होगी। देखिए इसे हमारा आदेश नहीं, हमारी विनती समझ के स्वीकार कर लीजिए। हम तहे दिल से आप दोनों का घर बसते हुए देखना चाहते हैं। दीदी का सामान देखने लग गई। अरे जब इतनी तकलीफ होती है आपको तो क्यों खोलती है सीडीएस बक्से को बार बार? मेरी तकलीफ ही मेरी ताकत है गिन्नी।
इस परिवार से बदला लेने के लिए जाने मुझे और कितनी तकलीफों से गुजरना होगा। मेरे जिगर के टुकड़े को छीना इस परिवार ने मुझसे, और वो वंश कितना भरोसा करके भेजा था उसे, और एक लड़की के चक्कर में सब कुछ भूल गया, अपना इंतकाम भूल गया, और बदला लेने की जगह इस परिवार को आबाद कर गया। इस परिवार की विधवा बहू की मांग भर दी उसने। पर मैं अपनी बेटी की जगह किसी को नहीं लेने दूंगी। मैं विधि को कभी नहीं अपनाऊंगी। बस बेबे, अब हम क्या कर सकते हैं? वेडिंग तो हो गई ना दोनों की। ये हो सके तो हमारी बात पर गौर जरूर करना। इस रिश्ते का, इस सिंदूर का मान रखना। एंजल अंकल, आप बेस्ट हो, सबसे बेस्ट। आई लव यू। माँ और पापा को हमेशा साथ ही रहना चाहिए। चलो, बातें बहुत हो चुकी, चलिए हम गार्डन में चलते हैं और पौधों को पानी देते हैं। काका से जो कह रहे हैं वो नहीं हो सकता। ये आप कहाँ चल रही है? डॉक्टर साहब ने कहा ना कि आपको आराम करना है, और आपने वो जहर वाला खाना वो क्यों खाया? मैं तुम्हें या माँ किसी को भी वो खाना खाने नहीं दे सकता। मैंने अबीर से वादा किया था कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा, पर जब तुम्हारे अंदर एक जान पल रही है तो मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकता। और सवाल ये है कि खाने में जहर मिलाया किसने? इसीलिए मैंने खाने में जहर मिलाया था, ताकि विधि को मार सकूं। माँ ने मुझे परिवार दिया, हर कदम पे मेरा ख्याल रखा। वो मेरी माँ नहीं है, वो मेरी माँ से बढ़कर है। बेबे, लेकिन वो वंश पता नहीं बीच में कहां से कूद पड़ा। तब वो बीच में आता और नहीं सबके सामने हमारे रिश्ते की सच्चाई खुलती। और तू क्या जरूरत थी बीच में पटर पटर बोलने की? मना किया था ना तुझे? मुझे क्या पता था कि आप सबसे ये बात हाइड करना चाहते हो? सॉरी का चार डालू मैं? आज वंश ने उसकी मांग भरी है, उसको बचाने के लिए जहर तक का लिया उसने। पर ऐसे ही चलता रहा ना, वो दिन दूर नहीं जब विधि को वो सब कुछ मान लेगा। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं वंश को नहीं खो सकती। तुम अपने परिवार को बचाने के लिए इल्जाम मेरी माँ पे कैसे लगा सकती हो? डॉक्टर साहब, हम जानते हैं कि वो आपकी माँ नहीं है, आपकी सास है, और हम उन पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। उन्होंने अपनी बेटी को खोया है, तो उनके मन में जो इस परिवार को लेकर नफरत है ना, बिल्कुल जायज है। मुझे सिया को खोने का जितना दुख है, उतना ही दुख माँ को इस हाल में देखने का है। माँ के साथ ये नहीं होना चाहिए था। एक अच्छी और सच्ची इंसान के साथ भगवान को ये नहीं करना चाहिए था। वंश को अपने पुत्र की तरह पाला है मैंने, उसका परिवार मैं हूँ। मैं उसे विधि का होते हुए नहीं देख सकती। बेबे, माना कि आपने जीजू को अपने बेटे की तरह पाला है, लेकिन उसके बदले में उनके डेड्स पेरेंट्स का घर भी तो आप ही को मिला ना। उस ईंट पत्थर के मकान की तुलना मेरे प्यार और ममता से कर रही है तू। रहने के लिए छत जरूर मिली थी, लेकिन खाने के लिए रोटी तो मैंने ही कमाई ना। वंश की पढ़ाई चलती रहे, इसके लिए लोगों के घरों में बर्तन तक मांजे हैं मैंने। अपनी बेटी सिया का ब्याह कर दिया उसके साथ, वो सब कुछ भूल कर आज आगे बढ़ने को तैयार है।
मेरी बेटी को भूल कर। मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ? मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें पता है विधि, जब मैं 10 साल का था और मेरा कोई नहीं था, तब किसी रिश्तेदार तक ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने मुझे नहीं अपनाया। लेकिन तब माँ ने न सिर्फ अपने दिल में बल्कि अपनी जिंदगी में मुझे जगह दी, मुझे परिवार दिया, हर कदम पे मेरा ख्याल रखा। वो मेरी माँ नहीं है, वो मेरी माँ से बढ़कर है। और बेटी, चाहे जो भी हो, तुम उन्हें गलत मत समझना। हम आपकी मन की उलझन समझ रहे हैं। हम चाहते हैं आप आराम कीजिए। मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ? ओफो बेबे, ये क्या किया आपने? आपने गलती से दिए में तेल की जगह पानी डाल दिया। सरला कोई भी काम गलती से नहीं करती, बहुत सोच समझ कर करती है। देखो, तेल में पानी मिला नहीं ना, ठीक इसी तरह विधि और वंश भी नहीं मिल सकते।